हेलो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीटीवी जीजी में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं फुल फेस कवर आपके लिए होम क्लीनिंग वीडियोस लेके आऊं, तो वो आज मैंने उसी तरह से मैंने बांधने की कोशिश की। बिल्कुल टाइट हो गया, एकदम टाइट करके मैंने अपने फेस को कवर किया। इतना टाइट हो गया कि मेरी नोच मतलब सीधे से तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं सामान को हटा देती हूँ, ये सामान हटाएंगे तभी अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। और करूंगी मैं, पानी चेंज करने का टाइम हो गया। और यहाँ देखो ना, इसमें भी इसको मैंने पानी में डाला था तो इसमें भी अंदर पत्ती आ गई है, जो पानी में इसकी जड़ है ना उसमें पत्तियाँ आ गई है, दिख रही होंगी आपको। बहुत ही अच्छे से प्लांट्स हो गया। एंड इसलिए मेरी फुल फेस कवर क्लीनिंग जो मुझसे लोगों ने कहा था, आज मैं वो शेयर कर दी। आज बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं पहले ये सारा सामान वॉश होने के लिए एक बाल्टी में डाल दूंगी, जिससे कि वॉश हो जाएगा। फिर मेरे को भी वॉश ऑफ करना है सबको, और थोड़ी सी ये है ना डस्टिक भी हो गए थे। मैंने सारे फ्लावर पॉट्स ले लिए, और उनको लेने के बाद एक बाल्टी में पानी भर देती हूँ। पानी में तो मैंने पानी भरने के लिए बाल्टी रख आई हूँ, और ले जाती हूँ फ्लावर पॉट अपने सारे, और इनको बाल्टी में डाल देती हूँ, जैसे कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इनमें सर्फ डाल रखा है, जैसे कि अच्छे से साफ हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने हाथ से साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे इनको छोड़ दूंगी, जैसे कि इनकी जो भी ज्यादा क्लीनिंग होती है ना, मैं डेली की डेली ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ज्यादा अच्छे से कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं बेड शीट हटा देती हूँ, बेड पे जो भी चादर वगैरह है उनको निकाल देती हूँ। सुबह सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो ही हो रही है अभी। तो यहाँ पे मैं सारा काम अपना है ना इसी तरह से, डेली का ही मेरा ये रूटीन है। जो ये ऊपर का रूम है, इससे सबसे बाद में इसका मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो एंड बेड शीट हटा दी, अब इनको मैं बाहर डाली आई हूँ। बाहर डालने के बाद अब आता है झाड़ने की बारी दीवारों को। तो दीवारों को झाड़ने के लिए मैंने लिया है एक ये जाला, इससे ना बहुत ही अच्छे से साफ होता है। अगर आप दीवारों को साफ करते हो, कोई भी जाला वगैरह नहीं रह जाता, डस्टिंग नहीं रह जाती, बिल्कुल डस्टिंग नहीं रह जाती इससे, ये सबसे अच्छी बात है। अगर दीवार भी कितनी भी गंदी हो तो डस्टिंग बिल्कुल नहीं रह जाएगी। इसका पाइप वो निकल गया, ये निकालने वाला, आप इससे निकाल भी सकते हो। निकाल के अगर छोटा करना चाहते हो इस जाले को तो छोटा कर सकते हो, और अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, जितना ऊंचा करे उतना ऊंचा इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी इस तरह से डस्टिंग को साफ कर दूंगी, एंड दीवारें साफ हो गई। और ये जो सीनरी वगैरह इनको मैं पहले उतार ही लेती हूँ, उतारने के बाद दोबारा टांगूंगी। ये वाली है ना थोड़ी खराब हो गई, यहाँ पे थोड़ी सीलन वगैरह आ जाती है इसलिए, और इनका भी बहुत शोर हो रहा है कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही है। तो चलिए अब इधर भी साफ कर देती हूँ, इसी तरह से धीरे धीरे मैं सारा घर अपना साफ कर देती हूँ। You wanna know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like it's raining on me. And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much left to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much left to give. Something's telling me it's right. When you came to me, I knew it's you. Oh yeah, but I'm on a show right now. Together.
beautiful day. And the smile holds enough to time. I guess I'm gonna lie. And it feels so bad. It's like a love is getting to me. Going far. So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. Oh yeah. Boy, the one who's shivering now and forever. तो दीवारें तो सारी झाड़ दी हैं मैंने, सारी दीवारों की क्लीनिंग होगी एंड आती है। अब ये स्लीप है, इस दीवारी को अब मैं साफ़ कर देती हूँ, कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह या फिर जो जाला वगैरह वो अच्छे से उससे साफ़ नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं कपड़े साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा ही गंदी नहीं होती, बस थोड़ी बहुत गंदी होती है, थोड़ी डस्टेड हो जाती है डेली उसी झाड़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता है कुछ भी। अब इसको ये साफ़ हो गई है, साफ़ होने के बाद जो सामान है इसको मैंने लगा दिया एंड पॉड है, इनको मैं अभी बाहर ले जाऊँगी और बाहर ले जाके जो भी इनका जो पानी है इसमें चेंज कर दूंगी और अच्छा पानी भर देंगे, नया पानी। तो आप ना हम बैग को साफ़ कर देते, बैग से क्योंकि डस्ट हो गया, दीवार वगैरह झाड़ी थी बैग डस्ट गिरी है, उसको इस कपड़े से हम साफ़ कर देते जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो हमने धूल मतलब डस्टी झाड़ी थी दीवारों की वो सारी बैग से गिर गई है, इसलिए तो बैग को इस तरह से झाड़ लेते हैं। झाड़ू तो इन पे लगाई नहीं जाती इन चीजों पर, तो इन्हें ऐसे ही हाथ पे से किसी से आप मारो तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। बेड पे जो करते थे उन्हें मैंने थोड़ा झाड़ लिया, झाड़ने के बाद क्या करती है ना उन बेड पे मैं गद्दों को बिछा देती हूँ, डबल इसके गद्दे हैं तो दोनों ही गद्दों को बिछा देती हूँ। तो इन्हें अच्छे से मैंने इस तरह बिछा दिया, पहले बिछा दिया, दूसरे को भी इसी तरह से मैं बिछा दूँगी। तो मैंने कर दी यहाँ पर बेड की बेड शीट चेंज और मैंने दूसरी बेड शीट को लगा दे रही हूँ यहाँ पर, इस वाली बेड शीट ये काफ़ी अच्छी बेड शीट रहती है, ये इधर उधर नहीं होती, एक जगह पर सेट रहती है और बहुत इसका प्रिंट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इस वाली बेड शीट को बिछा देती हूँ एंड डू यू वांट टू नो It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's fine. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you're not. So, एक जो पहले यहाँ पर है इस बेड पर, एक इसी मैचिंग की चादर है, जो ये चादर बिछी है, ये ओढ़ने वाली चादर है इसकी, और ये कंबल डाल रही है। फिर रात हो जाती है, सुबह का टाइम जब होता है करीब 2-3 बजे, ठंड लगने लगती है काफी, तो इसीलिए कम्बल इतना ज्यादा है क्योंकि उत्तराखंड में हर वक्त ठंड रहती है एंड अब इधर मुझे क्लीनिक करना है। ये जो कोई भी बच्चा छोटा हो, ये जो बच्चे छोटे होते ना
ये जो है तो ये जो बच्चे छोटे होते तो उनके लिए मच्छरदानी बहुत अच्छी होती है। तो छोटी ही मच्छरदानी है, लगा के लिटा दो मेरी बेबी की है। और अब ये थोड़ा सा मास्क ना मुझे लग रहा ढीला हो गया, मैंने बहुत टाइट बांधा था, मतलब मुझे साथ में आ रही थी, अब ढीला हो गया। तो इसको मैं रख देती हूँ ऊपर सही से, सेब भी रख देती हूँ सही रहेगी। इनका पानी चेंज करके लाना, मैंने इसको फिर से ट्राई कर लिया, इनका पानी चेंज कर लिया है। तो फ्लावर पॉट जो मैंने वॉश किए थे वो अब है ना सूख गए हैं, तो सूखने के बाद अब उनको लगा देती हूँ। और पॉट का जो पानी था उनको भी मैंने बदल दिया है। Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. तो जो पुरानी बेडशीट थी जो पीछे ही रखी थी उसको मैं उठाकर अब इसे धोने के लिए डाल दूंगी। इसको वॉश कर देंगे एंड जो भी सामान था मैंने नीचे डाल दिया था। तो अब इसको वॉश करने के लिए है। वॉश करने के बाद ये मेरा मार्क्स ही बेटी ने निकाल के डाल दिया। कभी कभी काम आता है तो काफ़ी दिन एक मार्क्स मेरा चल जाता है। जब भी बाहर जाती हूँ तभी काम में लेती हूँ, इसे एक मास्क काफ़ी दिन चलता है। एंड अब घर दे कर देते हैं, सारे घर की क्लीनिंग हो ही गई है लेकिन थोड़ा सा झाड़ू लगाने को रह गया, झाड़ू लगा देते हैं। सामान जो भी थोड़ा बहुत नीचे पड़ा है उसको उठा के रख देते हैं, सेट कर देते हैं अपनी अपनी जगह पर। जैसे कि सारा सामान यहाँ पर मैंने अभी नहीं झाड़ा था, इसको झाड़ दिया था, बस थोड़ा ना सब कुछ होने के बाद डस्ट हो गया था। उसके बाद एक बार और झाड़ दिया, और झाड़ने के बाद जो मेरी ये अलमारी है इसको भी मैं थोड़ा झाड़ देती हूँ। अच्छे से झड़ गई है। और झड़ने के बाद ना देख सक आप देख सकते हो, मतलब एक क्लिंकिंग लगने लगता है। तो जो सामान यहाँ मेरा था ड्रेसिंग में रखने वाला ड्रेसिंग में रख दिया, जो सेब में रखने वाला था सेब में रख दिया। एंड सारा काम हो गया। सारा काम होने के बाद अब क्या है ना गाइस, जो सेब के नीचे एक ड्रोर होती है इस तरह की, जिसमें हम सैंडल्स वगैरह स्लीपर वगैरह रखते हैं, ये कुछ भी आप रख सकते हो। मैं स्लीपर रखती हूँ उसके नीचे, तो इसको हमें साफ़ करना है। एंड इसके नीचे झाड़ू लगानी है, क्योंकि ये जगह जब खाली होती है तो इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो चला जाता है। तो इसको मैं डस्टर को यहाँ की साफ कर लेती हूँ अच्छे से। ये बेबी बीच बीच में आ जाती है, बहुत परेशान करती है, कहती मतलब मैं भी हेल्प करूँगी। तो हेल्प करने के चक्कर में हेल्प तो नहीं लेकिन देर ज़्यादा हो जाती है। तो इतना सारी डस्टर चीज निकली है, ये डस्टर साफ करने के बाद अब ये जो ट्रे निकाली थी इसमें सारे सैंडल्स वगैरह मेरे सैंडल रखे हैं, कुछ सैंडल मेरे रखे हैं। और ये ट्राई बोट टूट गया, मैंने पहला ट्राई बोट मंगाया था बिल्कुल टूट गया, तो इसको मैंने इसी में डाल दिया है। और ये किसी काम में अब नहीं आने वाला है, अब इसको जहाँ तक है फेंकना ही बनेगा। जुगाड़ हो पाए तो कुछ जुगाड़ करेंगे। तो इसको भी मैं कपड़े से एक वॉश कर लेती हूँ, इसकी ब्रश वगैरह साफ़ करके अब इसमें जो सैंडल्स हैं वो दोबारा लगा देंगे। तो मैंने दोबारा लगा देती हूँ। Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on. सारी क्लीनिंग होने के बाद, सारा रूम साफ होने के बाद रह गया था सामान, सारा सेट हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दी है, झाड़ू लगा देती हूँ, जो भी थोड़ी सी रह गई ये वाली लगा देती हूँ। और उसके बाद so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now I know. तो गाइस फुल फेस कवर हाउस क्लीनिंग
वीडियोस कैसा लगा बताना, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फुल फुल रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं इधर इस चीज को भी मैंने जैसे था वैसे ही लगा दिया एंड सारा घर झाड़ पहुंच दिया एंड अच्छे से क्लीनिंग कर दी। इधर बैठ के भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी और बेबी ना अभी दूध पी रहा था, शीशी पी रही थी और आपने लेके हट गई। तो ये भी क्लीनिंग करने के बाद ये भी ढीला हो गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक करके ही जाना, बगैर लाइक से नहीं जाना क्योंकि दोपहर का टाइम क्लीनिंग। लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब होता है, लाइक करना, लाइक नहीं और हटो लाइक, हाँ वीडियो को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो फुल फेस कवर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना, रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने पूरा किया और बहुत ही ज्यादा मतलब ये चीज है ना, ये आंखें ऐसा लग रहा है निकली जा रही है इस तरह की। तो मैंने गोगल लगा लिया था, गोगल लगाने के बाद क्या होता है ना दर्द वगैरह आंखों में नहीं आती इसलिए लगाया एंड फुल हाउस क्लीनिंग भी हो गई। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस मैंने निकाला है इसका, तो मेरी नोज ना बिल्कुल रेड हो गई है, रेड और थोड़ी सी यहाँ पे दर्द भी कर रही है, तो इस तरह से हो गई है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मुझे करना है थोड़ा अपना मेकअप वगैरह करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।